आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। हाथरस में पीड़ित परिवार को सांत्वना देने जा रहे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज और मुकदमा लिखने के विरोध में रालोद ने दीवानी स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन कर लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। हाथरस में पीड़ित परिवार को सांत्वना देने जा रहे रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके साथ ही मुकदमा दर्ज किया गया है। इसको लेकर रालोद ने दीवानी चौराहे पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया। जो धरना है, जो जयंत चौधरी साहब के ऊपर जो प्रशासन ने लाठी चार्ज किया, अगर वहां पर कार्यकर्ता नहीं होते तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके ऊपर वास्तव में उनकी हत्या हो जाएगी। इसलिए आज यहां धरना दिया है। राष्ट्रीय लोकदल आंदोलन करेगा और उनके जो झूठे मुकदमे जो लगाए गए हैं, अगर उनसे मुकदमे वापस नहीं हुए और जिनने लाठी चार्ज किया उनके खिलाफ मुकदमे नहीं किए गए, जब तक हमारी राष्ट्रीय लोकदल की लड़ाई जारी रहेगी, नहीं तो हम लोग इससे ज्यादा उग्र आंदोलन हमारा होगा। रालोद नेताओं का कहना है कि हाथरस में पुलिस ने जिस तरह जयंत चौधरी पर लाठी चार्ज किया है वो बेहद ही अलोकतांत्रिक है। रालोद प्रदेश सरकार के इस कृत्य की घोर निंदा करती है। रालोद नेता का कहना है कि पुलिस ने लिखे गए मुकदमे को वापस नहीं लिया तो रालोद आंदोलन करने को बाध्य होगी। जयंत चौधरी पीड़ित से मिलने जा रहे थे, उसी वक्त पुलिस ने रोक कर इस तरह की हरकत कर दी। धरना प्रदर्शन के बाद रालोद नेताओं ने ACM प्रथम विनोद जोशी को ज्ञापन दिया। इस दौरान इंस्पेक्टर न्यू आगरा भी पूरे फोर्स के साथ मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।